में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। कुदरत के कहर के सामने दक्षिण के राज्य भी बेबस इस वक्त नजर आ रहे हैं और मूसलाधार बारिश की वजह से लोग हलकान में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में बीती रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही थी। इस बारिश से निचले इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर चुका है और वहां पर हालात ऐसे हो गए हैं, जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, कहीं भी आपको सड़क नजर नहीं आएगी। बहुत तेजी के साथ यहाँ पर पानी का बहाव, तेज बारिश से जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी इकट्ठा हो चुका है। वाटर लॉगिंग से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालात को देखते हुए आज स्कूलों में फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। आप देखिए जो गाड़ियां हैं, जो टू व्हीलर्स पार्किंग एरिया में खड़ी हैं, वो भी फिसल करके नीचे गिर जा रही हैं क्योंकि पानी का बहाव ही इतना ज्यादा है। और ऐसे में जो लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें फिलहाल राहत है क्योंकि स्कूल की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। क्योंकि बच्चे आखिर स्कूल जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे? बसेस के हालात आप देखिए सड़कों पर कैसे रेंग रेंग कर चल रही हैं। और इसके अलावा जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं आज, उनके लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी काफी ज्यादा बाधित हुई है। ये तीन तस्वीरें देखिए, जो निचले इलाके हैं अक्सर हम देखते हैं कि भारी बारिश के बाद वहां पर पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है और काफी घंटों बाद ये पानी वहां से निकलता है। लेकिन तब तक लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाता है आप देखिए। बीती रात जबरदस्त बारिश हुई और उसके बाद निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों की जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। जल जमाव ने सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, सारे रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, लोग घंटों इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर पानी भर चुका है जिस वजह से रोड ब्लॉक हो चुके हैं। लगातार बारिश, ग्रेटर हैदराबाद के हालात हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हुई और कुछ ही घंटों की बारिश में क्या हालात यहां पर बन गए हैं, तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा बखूबी लगा पाएंगे।